छत्तीसगढ़ के बस्तर के बैलाडीला पहाड़ियों में जुरासिक काल के दुर्लभ ट्रीफन। संस्कृति और परंपरा में अनूठे बस्तर में प्रकृति की अपनी थाती में भी कई विशेषताएं मौजूद है। बैलाडीला के रहस्यमयी पहाड़ों पर जुरासिक काल के विलुप्त हो चुकी वनस्पतियां भी पाई जाती है। इन्हीं में से एक है ट्रीफन। 3 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर का युग था, तब ट्रीफन मुख्य पादप प्रजाति थी। माना जाता है कि शाकाहारी डायनासोर का मुख्य भोजन फर्न ही था। यह पादप प्रजाति मध्य भारत में सिर्फ बैलाडीला के पहाड़ पर ही मिलती है। बैलाडीला के 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित पहाड़ की जलवायु कई विशेष प्रजाति के जीवों और पादपों से अनुकूल है। बैलाडीला के पहाड़ों पर जुरासिक काल की ट्री फर्न पेड़ यानी कैथल्स समेत कई अन्य पादपों की वनस्पतियां यहां पाई जाती हैं। पादप प्रजाति के वनस्पति उस समय के हैं जब पृथ्वी पर डायनासोर का युग था। ऐसा माना जाता है कि शाकाहारी डायनासोर का मुख्य भोजन फर्न ही था। यह पादप प्रजाति मध्य भारत में सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला के पहाड़ पर ही मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो फर्टी फर्न का पौधा 1 साल में मात्र 2.5 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। ऐसे में एक पेड़ से 8 से 10 फीट का होना लगभग 500 साल को दर्शाता है। इस पेड़ की उम्र 1 लाख साल से भी ज्यादा होती है। बैलाडीला की प्रसिद्धि यहाँ के लौह अयस्क खदानों की वजह से है। बचेली और किरंदुर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परियोजनाएं हैं। ऐसे में इस पहाड़ियों पर कई प्रजाति के पौधे और पेड़ को खतरा भी रहता है। पहाड़ी के ऊपर एक राजा बंगला है जहां से गली नाला निकलती है। उस नाले के आजू बाजू लगभग 12 किलोमीटर में 500 से भी ज्यादा ट्री फर्न यानी कैथल्स पेड़ मौजूद है। वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक प्रोफेसर गजेंद्र और जिले के वन विभाग के अधिकारी ने जुरासिक काल के वनस्पति की विस्तृत जानकारी दी। दंतेवाड़ा डिवीजन में बैलाडीला पहाड़ के पास जो अपने बचेली और किरंडुल के बीच में लगभग एक वैली और रिच पोर्शन रहेगा, उसमें एक नाला है। उस नाले के 12 किलोमीटर के लंबाई में हम ट्री फर्न पाए मतलब देखते हैं। वहाँ पर बहुत संदर्शक लोग भी आते हैं। उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी के बहुत रिच हॉटस्पॉट माना जाता है और जो प्रजाति वहाँ मिलता है ट्री फर्न, ये लगभग 25 करोड़ के साल के पुराने एज के पौधे माना जाता है। और यह जो स्पॉट है हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए जो स्पेशली फ्लोरा फौना के डाइवर्सिटी में हम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के माध्यम से भी और राज्य शासन से भी वहाँ पर थोड़ा संरक्षण करके उसको और बढ़ावा देने के लिए प्रयास चल रहा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं फ्लोर फॉरेस्ट्री के या फिर फ्लोरा फौना स्टडी करने के कोई एंथुजियास्ट हो या स्कूल के बच्चे भी हो और अपने अलग एक्सपर्ट्स हो, उनके माध्यम से भी वहाँ पर कुछ टेस्ट और वहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स जो होता है उनके वहाँ पर ही होते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर हम रिसर्च भी ये कर रहे हैं कि उसका ग्रोथ उसी एरिया में एंडेमिक कैसे हैं। और ये भी एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पर जो मिलता है वो हमारा पूरा स्टेट में कई और जगह नहीं मिलता है और शायद इंडिया में भी एक और जगह है, बट ये हमारा विशेष मतलब उपलब्धि है हमारा दंतेवाड़ा के एक टूरिज्म प्लस हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बायोडाइवर्सिटी की वृद्धि करने के एक अच्छा मौका है हमें। बैलाडीला की प्रसिद्धि यहाँ के लौह अयस्क खदानों की वजह से है। बचेली और किरंदुल में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परियोजनाएं हैं। पहाड़ों को काटकर दिन रात उच्च क्वालिटी का लौह आवश्यक निकाला जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक महत्व के ट्री फर्न के यहाँ से भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। समुद्र तल से 1260 फीट ऊंचाई पर स्थित बैलाडीला पहाड़ी की जलवायु कई विशेष प्रजाति के जीवों और पादपों के अनुकूल है। पहाड़ों पर लाइकोपोडियम सेल्जिनेला आदि प्रजाति के पादप भी थे, लेकिन माइनिंग की वजह से कई पादप प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। धरती पर पादपों के उद्भव और विकास क्रम को वैज्ञानिक रूप से समझने में ट्री फर्न उपयोगी है। इसे बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।